हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, जिसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया और मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों को तोहफा दे दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों के खातों में 500 रुपए की तीसरी किस्त को जमा करा दिया है और इसी कारण पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पता कर सकते हो कि आपके खाते में 500 रुपए की तीसरी किस्त आई है या फिर नहीं, और आप किस प्रकार से 500 रुपए की तीसरी किस्त की सूची को घर बैठे देख सकते हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम के और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हो कि आपके खातों में 500 रुपए की तीसरी किस्त आई है या फिर नहीं, और आप किस प्रकार से 500 रुपए की तीसरी किस्त की सूची को देख सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से। तो दोस्तों, 500 रुपये आपके खातों में आए या फिर नहीं, ये जानने के दो तरीके हैं। जहां पर दोस्तों पहला तरीका है, जिसके माध्यम से आप सूची में अपना नाम देख सकते हो। तो दोस्तों, पहला तरीका आपको यहां पर जो है पूरी तरह से बता देते हैं। जहां पर दोस्तों पहले तरीके से आपके खातों में 500 रुपये आए या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा एक वेबसाइट पर, जिसका नाम है PFMS। और दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पर दोस्तों नो योर पेमेंट का एक ऑप्शन नजर आएगा, और दोस्तों इसी पर क्लिक करना पड़ेगा, जहां पर दोस्तों आप जो है पता कर सकते हो कि आपके खाते में 500 रुपए आए या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको यहां पर जैसे ही नो योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यानी नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपका जिस बैंक खाते में जनधन खाता खुला है उस बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, फिर दोस्तों एंटर अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, यानी जनधन खाते का जो नंबर है वह टाइप करना पड़ेगा, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद में कैप्चा डाल के सर्च पर क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर दोस्तों आपके सामने सूची नजर आ जाएगी, और वहां पर दोस्तों ये लिखा होगा कि आपके खातों में सक्सेसफुल तरीके से 500 रुपए आ चुके। और दोस्तों, यदि आपके खातों में नहीं आए तो वहां पर दोस्तों अनसक्सेसफुल लिखा होगा। और दोस्तों, इस प्रकार से आप पहले तरीके से जान सकते हो कि आपके खातों में 500 रुपए की तीसरी किस्त जमा हुई या फिर नहीं। और वहीं दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जहां पर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए मिस्ड कॉल के जरिए जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैलेंस पता करने की सुविधा दी। और अगर आपका जो है SBI बैंक में जनधन खाता है तो आप जो है 1800425380 या फिर 1800112211 पर कॉल करके अपना बैलेंस जान सकते हैं, यानी तीसरी किस्त आपके खातों में आई या फिर नहीं इसका पता कर सकते हैं। और दोस्तों, खाता धारक को अपने जो है रजिस्टर्ड फोन नंबर से नंबरों पर कॉल करना पड़ेगा, और इसके अलावा खाता धारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9223766666 पर कॉल करके भी यह जानकारी ले सकते हैं। और अलग अलग बैंकों के लिए नंबर अलग अलग होंगे, यानी कि दोस्तों ये SBI का, इसी प्रकार आप जो है यदि HDFC बैंक में खाता है तो उसके लिए अलग नंबर होंगे, इसी प्रकार कहीं अन्य बैंक में खाता है तो उसके लिए अलग नंबर होंगे, और वहां पर दोस्तों उन नंबर पर आप जो है फोन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खातों में 500 रुपए की तीसरी किस्त आई है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है बैलेंस को जान सकते हो और पता कर सकते हो कि आपके खातों में 500 रुपए की तीसरी किस्त आई है या फिर नहीं।
दोस्तों इस सब प्रकार से अभी हमने आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी है। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी संपूर्ण जानकारी देखने को मिले और वह भी पता कर ले कि उनके खातों में 500 रुपये की तीसरी किस्त आई है या फिर नहीं और वह भी सूची में अपना नाम देख पाए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।